तुझको क्या परवाह, लट्टू है हर वक्त कहते थे सुनैया अंजुम। आप मुझे सच सच बता दें, आप उनसे शादी करना चाहती हैं ना? ये लड़की ठीक नहीं है, किसी और तरफ थी। सच्ची मोहब्बत पे किसी बात का असर नहीं होता। हाँ तो फिर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची नहीं थी क्या, जो तुम आ गई किसी की बातों में? मगर फरवा, अगर तुम्हारे जाने के बाद उस संसार ने मुझे जाने के लिए कह दिया तो फिर? ओहो कुछ नहीं कहेंगे, और आपको तो वो वैसे भी कुछ नहीं कह सकते। और वैसे भी आप बेफिक्र हैं, मैं जान से पहले मैं उनसे बात करके जाऊंगी। हैं लेकिन फरवा। ओहो लेकिन लेकिन को छोड़े, अब तो यकीन के दिन आ गए सुरैया बाजी। जल्दी से घर आ जाएं। ओके ओके, खुदा हाफिज। बखैर बेगम साहिब, हमें आपसे ऐसी हरगिज उम्मीद नहीं थी। मैंने क्या किया? क्या किया आपने, क्या किया? पहले आपने हमारी मासूम बच्ची को बरगलाया, फिर उसे बदनाम किया, और फिर जब वो हमसे मजबूर होके कट गई तो अब आप ये दूसरी औरत। आपके ख्याल में मुझे आपकी बेटी के साथ कोई जाती दुश्मनी है? जी लगता तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको कोई जाती दुश्मनी है। पहले आपने तनवीर को बेचैन किया, हमें दुनिया भर में रुस्वा किया, और अब आपने एक नया शोशा छोड़ा है। हम इस बात पर आराम से गुफ्तगू कर सकते हैं, आप प्लीज बैठिए। अब क्या बैठूंगी मैं खाक, बैठिए तो सही। आप प्लीज प्लीज बैठिए। देखिए प्लीज, अगर आप ठंडे दिमाग से तवज्जो से आप मेरी गुफ्तगू सुनेगी तो। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि हो क्या रहा है, वो तो बस मेरा दिल घबराया और मैंने सोचा मैं जाके अपनी बच्ची को देख लूं। आप तो मेरी बेटी को मुलाजमा बनाने चले थे। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, आपने जायदाद के लिए ऐसा क्यों किया? दिखने में तो कोई आप ऐसे फकीर और गरीब लगते नहीं है। आप ठंडे दिमाग से तवज्जो से आप मेरी गुफ्तगू सुनेंगी तो शायद हालात बेहतर हो जाए, और आपको वाकयात की असल तस्वीर नजर आएगी। वो जरूर आएंगी, आप देख लीजिएगा, वो जरूर आएंगी। कब जा रहे हैं आप फरवा के पेरेंट्स से मिलने? मेरा तो बस चले, मैं तो आज ही छलांग मार करके घर पहुंच जाऊं, जाकर साथी में सीधा कहूं अरे लुक। हिमाकत कर रही हो बाजी तुम, मुस्तनसर नहीं छोड़ेंगे फरवा को कभी। मगर फरवा ने मुझे खुद फोन किया। बाजी फरवा तो बेवकूफ है, कुछ भी नहीं पता है उसे। फरवा को बेवकूफ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो गोगी से मोहब्बत करती है और तुम गोगी पे मरती हो, है ना? जो भी कह रहे, लेकिन मैं तुम्हें लिख के दे सकती हूँ कि मुस्तनसर फरवा को कभी भी नहीं छोड़ेगा। पर वो तुमसे मोहब्बत करता था, अब नहीं करता है वो। अगर वो मुझसे मोहब्बत ना करते ना तो इतने बरसों के बाद तुम्हारे बहाने आना आता। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, मुझसे ही मिलने आया था वो। भूल है तुम्हारी सबकी, तुम जानती नहीं हो कि चाहा जाना कैसा होता है। तुमने मोहब्बत की है, तुमसे किसी ने मोहब्बत नहीं की, की होती ना तो जानती। मोहब्बत में थी या है नहीं होता,
मोहब्बत होती है, बस होती है। ना इसकी कोई इब्तिदा और ना कोई इंतहा। तुम नहीं मानोगी, बाज नहीं आओगी तुम, वहां जाके ही मानोगी तुम। हाँ मैं जा रही हूँ। मुझे पता है कि मेरे जाने से तुम्हारे और गोगी के मिलने के जो चांसेस है वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं मजबूर हूँ सिल्की, वक्त बार बार दस्तक नहीं देता। तुम खुद गर्ज हो बाजी, तुम बहुत खुद गर्ज हो। सच में मैं सुरैया से मोहब्बत करता था, लेकिन बहुत पहले की बात है। अरवा से शादी करने के बाद खुदा गवाह है, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसे अपनी जिंदगी में जगह दी है। आपको यकीन करना होगा बेगम सईद। माँ सुन लिया ना आपने, ये क्या कह रहे हैं कि सुरैया से मोहब्बत करते हैं? हाँ मैं सुरैया से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं अपनी हिमाकत को आज ओन करता हूँ। लेकिन बस माँ बस, अब और क्या सुनने को बाकी रह गया? चले परवा, मुझे अपनी बात क्लियर करने दो। सुरैया गया वक्त है, और गया वक्त लौट कर वापस नहीं आता। अभी आपने उनको बुलाया ना, अभी देखेगा वो आती होंगी। मैंने नहीं बुलाया है, मैंने कभी नहीं बुलाया, वो नहीं आएगी। तुम्हें देख के उसको पता चल गया है कि इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। वो आएंगी सर, वो जरूर आएंगी, आप देख लीजिएगा, वो जरूर आएंगी। फरवा, मैंने उसे नहीं बुलाया। फरवा, बेगम सईद, मुझे मौका दीजिए अपनी सफाई पेश करने का। बात करते हुए हमें दूसरों की पसंद को अपने जहन में रखना चाहिए। हाँ जी। रोजमर्रा की गुफ्तगू बहस का अखाड़ा नहीं होती है। हमें अपनी गुफ्तगू से दूसरों को प्यार और मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहिए। बंदा वैसे सीधा सीधा कह दे कि यार अगले इंसान से तमीज से बात करनी चाहिए, इतना लंबा मजमून। मुखातिब के रहन सहन, उसके लिबास, उसकी बोल चाल पर तंकीद नहीं करनी चाहिए। इसे ऐसा लगता है कि हम उसे रद्द कर रहे हैं। इस बात से गुरेज करना चाहिए। मैडम जी, डिग्री कंप्लीट, सब सीख लिया, सब। आपकी मेहरबानी, मुझसे वादा करें आज आखिरी दिन है ना। आज आखिरी दिन तो कब जा रहे हैं आप फरवा के पेरेंट्स से मिलने? मेरा तो बस चले, मैं तो आज ही छलांग मारकर के घर पहुंच जाऊं, जाते साथ ही मैं सीधा कहूं, अरे लुक, इतनी जबरदस्त पेंटिंग, क्या बात है। और आंटी, आप तो फरवा की मान लग रही हैं। और अंकल, आप तो वो क्लार्क कुबल, क्या क्लार्क केबल, उसका कैरियर आपने खतरे में डाल दिया। और अंकल, बगैर मूछों के इतना नफीस चेहरा, आप कैसे मैनेज कर लेते हैं सारा? And look how, इतना कुशादा, इतना मतलब हवादार,
And what a tea! Oh, tea, tea! Oh, yeah! Please, uncle, आप अपनी बेटी की शादी मुझसे अभी कर लें। लेकिन बहुत जी चेक करें कि मुझे सब पता है किस आदमी से कितनी बात कब कैसे कहां पर क्यों करनी है। नहीं है? लेकिन ये जो दिल है ना मैडम जी, कभी कभी ख्वार करा के रख देता। मैं ये फोन मे आई अटेंड फोन कॉल। यू मे मतलब लेवल चेक किया था। And you may every duffing. You may. All may. क्यों आई हो? मुझे फरवा ने बुलवाया, उसने कहा था कि मैं फौरन आ जाऊं। सुरैया, तुमने अपना किरदार अदा कर दिया, अब जाओ। मैं सुरैया, तुम मेरी जिंदगी से बहुत पहले ही निकल चुकी हो। वो जो मेरे पास था वो तुम्हारा ख्याल था, अब परवा जा चुकी है। क्या चाहती हो? तुम्हारा ख्याल भी रुखसत हो जाए? मगर ख्याल की जरूरत क्या है जब मैं हूं तुम्हारे साथ? सुरैया, अब चली जाओ। बाहर रिक्शा खड़ा है, यहां सवारी बहुत मुश्किल से मिलती है, खामखा परेशान होगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं, रिक्शे वाले को भेज दो, मैं यहीं रहूंगी। वही मैं जिसको सबको डर होता है, दूसरी औरत। अब आ गई है और अब तो वो घर में भी घुस गई है। पापा, ब्यूटीफुल लव स्टोरी, हैप्पी एंडिंग, एंड क्रेडिट्स। और क्या जानता है? सुरैया बाजी का क्या भरोसा है? हैं? आपको कैसे पता चला? क्या सीन है? अभी तो तू घर गया, तेरा घर में दिल नहीं लग रहा, फोन क्यों किया मुझे? लगता है तेरी कोई खोई हुई चीज मिल गई है, बड़ा चेक रहा है भाई। क्या क्या मिल गया मुझे? तेरी गां जो गवाज गई थी। बकवास बंद कर तू। मैडम जी आई हुई है। अच्छा, तो ये बात। वैसे गोगी, ये जो तू कर रहा है ना, ये इस पे जरा गौर कर ले तू। किस पे? अबे, किसी लड़की को तलाक दिलवाना यार, ये बहुत बड़ी बात है। और वैसे एक बात बता, तुझे यकीन है कि वो लोग मान जाएंगे? ओ यार, क्या हो गया? दिन में 50 लोगों को तलाकें होती हैं। इस तरह नहीं सोचते बेटा, बहुत पीछे रह जाओगे दुनिया में।
और वैसे भी सबसे पहले तूने मुझे गुड्डी चढ़ाया और अब तू खुद पीछे से निकल रहा है, ये ना कर मेरे साथ, देख ले फिर। हाँ हाँ, उस वक्त सूरत हाल कुछ और थी यार, अब सोचता हूँ ना तो बड़ा अजीब लगता है। क्या कर रहे हैं हम लोग? अब एक लड़की की शादी खत्म हो रही है, उसके माँ बाप को धोखा दिया जा रहा है, लड़की को तलाक हो रही है। यार गोगी, ये हमारी हरकतें कुछ अमरीश पुरी वाली नहीं होगी? नहीं, तू ज्यादा दिप्ती नेवल ना बन और सीढ़ी ना खेच मेरे नीचे से, तुझे मैं बताऊं। बस ठीक है, अब तक तो देखो फरवा क्या क्या कुछ कर चुकी होगी यार, अब क्या जिम्मेदारी? शोरूम से एक दफा जो गाड़ी निकल जाए फिर वो मालकों की, हमारा कोई जिम्मा नहीं पीछे से। पता नहीं यार, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा खैर है, तू कर जो करना है, मैं अब्बा जी से मिल लूं यार, बहुत दिन हो गए। जूते लाजमी अब की दफा। हाँ, जूते खा चीज के साथ। यहाँ तो मैडम जी आई हुई है। जहन्नुम की आग में जलेगा खबीस। तो क्या पहेलियां बुझवा रहे हो, कुछ बात तो बताओ, हुआ क्या है? वो जिस औरत का आपसे फरवा ने जिक्र किया था, वो घर तक आ गई। मैं ले आई हूं अपनी बच्ची को वहां से, मैं इसे किसी की नौकरानी बनते हुए नहीं देख सकती। दोस्ती मेरा असद बिल्ला, उसका फोन था। दुनिया किसी को खुश होता नहीं देख सकती, ये बात आज मुझे पता चल गई है। पहले मुझे कहता है, जानू तेरी मोहब्बत है, उसे तू किस तरह किसी आदमी के हवाले कर सकता है। अब कह रहा है, यार वो किसी की बीवी है, तू कैसे उसकी जिंदगी ऐसे बर्बाद कर सकता है। लेमेंटल पागल। आपकी लॉजिक तो फ्लॉप हो गई ना। आपको आपको क्या लगता है, फरवा अभी आप ही से मोहब्बत करती है? हाँ, तो तभी तो सब कुछ करी इतना, उसने तो सर की गर्लफ्रेंड भी सेट कर ली। इसके बाद ब्यूटीफुल लव स्टोरी, हैप्पी एंडिंग, एंड क्रेडिट्स, और क्या जानता। सुरैया बाजी का क्या भरोसा है? हैं? आपको कैसे पता चला? ऐसे ही, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। हाँ भाई, आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं, किसी का।
आज आखिरी दिन ये जान भी छूटी गॉड किसी और के पास जाके कहना चेस्ट स्ट्रेच चिन अप नोज़ी डाउन कंध लिफ्ट वैसे आप तो खुश है ना जी हैं। गुफ्तगू को जारी रखने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है जहांगीर साहब। कभी कभार खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। कभी इस खामोशी को सुनिएगा जरूर। वक्त हो गया। सर आप कितने डार्लिंग हैं, क्या एक्टिंग की आपने, मैं तो हैरान ही रह गई, कमाल एक्टर हैं सर आप। फरवा वो एक्टिंग नहीं थी। हैं सर आपकी ना सेंस ऑफ ह्यूमर। सब कुछ इतना अचानक हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आया और अब भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम चली गई हो इतना अचानक और एकदम। है ना सर मुझे भी यकीन नहीं आ रहा लेकिन देखें हमने कर दिखाया। सर वैसे मुझे एक बात कहनी चाहिए। सर ये ना बहुत ही लगी है। हाँ याद आया, वो कह रही थी कि आप उनको वापस भेज देंगे। हाँ उसका यहाँ रहना मुनासिब नहीं, जो होना था हो गया, उसको वापस जाना होगा। सर अभी तो ऐसा बिल्कुल ही मत कीजिएगा, अभी पापा को शक है, वो आपके घर जरूर चक्कर लगाएंगे और आप उनको अभी वहां से मत जाने दीजिएगा बिल्कुल भी। फरवा ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, मेरा एक मकाम है। क्यों मैं भी तो वहीं रहती थी, वो ले लेंगे तो क्या हुआ। तुम मेरी बीवी हो, सुरैया मेरी क्या लगती है। सबसे ज्यादा तो वही आपकी जो भी लगते हैं, लेकिन होने वाली बीवी तो है ना। नहीं ये मुमकिन नहीं सर, कुछ ही दिन की तो बात है। प्लीज सर प्लीज, देखें उसके बाद तो पापा नाराज रहेंगे ना, फिर वापस घर आएंगे ही नहीं, बात खत्म। ठीक है लेकिन सिर्फ चंद रोज। ठीक है थैंक यू सर थैंक यू। वैसे सर एक बात मुझे कहनी चाहिए, आप ना बहुत अच्छे। ओके बाय। सारी फैमिली है, क्या जवाब दूंगी उसको। तो क्या हुआ, जो सच है वो बता दे उन्हें। कैसे कह दूं, बिट्टू बाजी की बेटी और उनका दामाद सुख से निकल लिए जैसे मक्खन से बाल, और मेरा तमाशा। तुम्हारे अम्मीबू। अरे कुछ नहीं होता, मैं ना एक मैरिड औरत हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। तुम्हारी एक कानूनी हैसियत है, तुम मुस्तंसर की बीवी हो। पापा ये रिश्ता मैंने जबरदस्ती कायम किया था। रिश्ते जब कायम हो जाए ना तो उन्हें कायम रखा जाता है। जबरदस्ती कुछ भी समझ ATV सारे रंग हमारे।